ये जन्नतुल माला के अंदर एंट्री हो रही है, जन्नतुल माला कब्रिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। के वालेक मुदीर मैं हूं ताय सोइए बस के दम आप सोइए ताय ताय मैं मुश्किल जन्नतुल माला के अंदर आ गए हैं। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे कई सहाबा जो हैं दफन हैं। सऊदी का कब्रिस्तान ऐसा होता है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जन्नतुल माला। देख तो छोटा सा पहाड़ का हिस्सा है इधर। जन्नतुल माला कब्रिस्तान वो हरम का क्लॉक टावर दिख रहा है यहाँ पे भाइयों। ये कब्रिस्तान वो है जिसे कहा था जन्नतुल माला। इसमें बहुत सारे सहाबा इकराम दस्तक देने और हमारी अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा इसे कब्रिस्तान में तस्किन की गई है। और ये हरम के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और आप देख सकते हैं हरम पास मीनार दिख रही है हरम की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमें देखने की हमारी दुआ। और यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जितने भी इस कब्रिस्तान में तदफीन हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान जो मक्का के हरम शरीफ के जस्ट सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा उसका लोकेशन है। अभी हम आपको मस्जिद दिखाएंगे। कौन सी मस्जिद है मुल्ला जी, कौन सी मस्जिद है वो है? कौन सी मस्जिद है जन्नत वाले? हाँ। और भाई ये थोड़ा सा कब्रिस्तान रोड के पार है, ये थोड़ा आधा है और आधा रोड के पार है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में है। अभी आपको वो मस्जिद भी दिखाएंगे जो तीन मस्जिद एक साथ बनी हुई है।